आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों में संभवतः सबसे उचित और सबसे जो कारगर उपाय है उसे कह सकते हैं आम सहमति। आम सहमति बनाना। आतंकवाद एक राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय समस्या से अर्थ जिसमें समाज के सभी पहलू प्रभावित होते हैं, सभी वर्ग प्रभावित होते हैं। इसलिए आतंकवाद से निपटने के लिए सभी वर्गों को शामिल करना जरूरी है, समाज के सभी तबकों को, सभी राजनीतिक गैर राजनीतिक संस्थाओं को शामिल करने की ज़रूरत है, विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसके संबंध में एक आम सहमति बनाने की ज़रूरत है। सहमति के पीछे मकसद रहता है कि सभी लोग इसमें जोड़े जाएं, कोई भी पक्ष इसके बाहर न रहे। सहमति के बाहर रहने वाला पक्ष संभवतः आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र रहेगा। यदि सबको जोड़ दिया जाए तो संभावना है कि आतंकवाद पर बहुत कुछ नियंत्रण पाया जा सकेगा। चौथा तरीका, इसके लिए राजनीतिक स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। राजनीतिक स्तर पर कार्य करने से तात्पर्य है कि आतंकवाद का जवाब आतंकवाद की भाषा में देना, अर्थात हथियारों का जवाब हथियारों की भाषा देने में कई बार जो समाधान है वो तो दूर बल्कि और समस्या बढ़ जाती है। और एक बार आतंकवाद की समस्या बढ़ी हमारे किसी ऐसे कदम से, प्रतिरोधात्मक कदम से, तो फिर पीछे नहीं मुड़ सकते। सामान्यतया आतंकवादी गतिविधियां कुछ गिने चुने स्वार्थी तत्वों के लोगों की गतिविधियों का ही परिणाम है। और इस वर्ग के जो आम लोग होते हैं उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। जिस वर्ग के भी वो कुछ चंद आतंकवादी हैं उस वर्ग के सामान्य लोगों का भी इनकी गतिविधियों से कुछ लेना देना नहीं रहता। वे उनकी गतिविधियों से उतने ही दुखी होते हैं, संभवतः शायद ज़्यादा दुखी होते हैं जितने कि साधारण लोग, आम जनता। इसलिए आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए वर्गों में भाईचारे की भावना को बढ़ाया जाए, उसका सतत प्रयास किया जाए, भाईचारा बरकरार रखने का प्रयास किया जाए, चंद लोगों के द्वारा की गई गतिविधियों को एक पूरे वर्ग की गतिविधि न मानते हुए उन चंद लोगों को आइसोलेट करने का प्रयास किया जाए। ऐसा करने से दोनों संगठित होकर शांति एकता के साथ चलेंगे और आतंकवाद का सक्षम रूप से मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। पांचवा तरीका, आर्थिक सामाजिक न्याय। जैसा पूर्व में बताया गया, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के इतिहास को जब खंगाला गया या खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि इन लोगों का आर्थिक जीवन, इन लोगों का सामाजिक जीवन बहुत ही स्ट्रगल वाला जीवन था। इनके साथ संभवतः किसी दौर में न्याय नहीं हुआ या उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। भारत के संदर्भ में बात करें तो बहुत से ऐसे युवा जो इस तरह की गतिविधियों में जाते हैं उनकी पृष्ठभूमि में जाएं तो देखा जाएगा, हम पाएंगे कि भूमि सुधार कानून और भूमि से संबंधित जो भी भारत में संस्थाएं हैं उनकी कमियों के मद्देनज़र बहुत से युवा ऐसी गतिविधियों में चले गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस कानूनों के कारण उन्हें अपनी भूमि से वंचित किया गया, मालगुजारों जमींदारों आदि के चंगुल में उन्हें फंसना पड़ा, जमीन निकालनी पड़ी आदि आदि। इसलिए भूमि सुधार कानूनों की कमियों को निकालने की, दूर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए। अभी तो हमारे यहाँ समस्या है कि सभी को शिक्षा, उचित शिक्षा कैसे दी जाए।
उचित शिक्षा के साथ साथ आवश्यक है कि शिक्षा को हम रोजगार से जोड़ें ताकि वे वर्ग वे युवा जो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं उन्हें रोजगार की चिंता न रहे, वो भटक न जाए। ये भटकाव का ही परिणाम है जब सामने कुछ दिखाई नहीं देता अपने जीवन यापन के लिए तो ये लोग आतंक की ओर बढ़ते हैं, आतंकवादी गतिविधियों की ओर बढ़ते हैं। इसलिए रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया करने का प्रावधान किया जाए। विदेश में विश्व में बहुत से देश ऐसे हैं, समृद्ध देश, विकसित देश, जहां पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है, अर्थात जो लोग जिनको सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई उन्हें उनके लिए उचित एम्प्लॉयमेंट देने तक उन्हें उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त भत्ता दिया जाता है ताकि वे निश्चिंत होकर 2 जून की रोटी जुटा सकें, थोड़ा सम्मानजनक तरीके से रह सकें और समाज के प्रति, व्यवस्था के प्रति, सिस्टम के प्रति कुछ कुंठा न रखें, क्योंकि यही कुंठा इनको गलत दिशा की ओर भेजती है, आतंकी गतिविधियों की ओर मोड़ती है। 6वां तरीका है सहयोगी संघवाद। संघवाद के विषय के अंतर्गत आपकी कक्षा के एक अध्याय में इस बात का स्पष्ट जिक्र हुआ था कि वर्तमान में सहयोगी संघवाद की बहुत आवश्यकता है, अर्थात ऐसा फेडरेशन, ऐसा संगठन, ऐसी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जिस जो सहयोगात्मक हो। संविधान निर्माताओं ने ये सहयोगात्मक संघवाद की कल्पना जो की थी जिसमें केंद्र और राज्य को आपस में मिलकर चलना होगा, इस व्यवस्था को हमें और मजबूत करना होगा। अन्यथा क्या होता है, एक क्षेत्र में, किसी एक राज्य के एक क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि बढ़ती है और यदि सहयोग की कमी हो तो उस राज्य के द्वारा किसी तरह की पुलिस कार्रवाई किए जाने पर, बल का उपयोग किए जाने की स्थिति में इस तरह के आतंकी लोग दूसरे राज्यों की सीमा में भाग जाते हैं, वहाँ छिप जाते हैं और दूसरे राज्य में यदि दूसरे दलों की सरकार रही या तालमेल नहीं रहा तो इसका दुरुपयोग होता है, उन आतंकियों के द्वारा शरण ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि सहयोगी संघवाद की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। भारत में कुछ क्षेत्रों में जहां नक्सलवाद पनपा है, जो एक तरह की आतंकी गतिविधि ही है, वो नक्सलवाद के पनपने और बढ़ने के कारण यही हैं कि उन राज्यों में सहयोग की कमी रही। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जो नक्सलवाद की समस्या है अंदरूनी इलाकों में, ऐसे कर्नाटक में जो चंदन की तस्करी की समस्या थी जिसका मुखिया गत कुछ वर्षों पहले एक बहुत बड़ी सैनिक कार्रवाई के तहत ही मारा जा सका, ये इसके स्पष्ट उदाहरण हैं जहां पे सहयोगी संघवाद की भावना को उचित तरीके से नहीं अपनाया गया, जिसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया और उठा रहे हैं। तो इसलिए साथ में मिलकर चलने की ज़रूरत है। 7वां तरीका आतंकवाद को रोकने का वह है आतंकवाद के सामने न झुकना, समर्पण न करना, आतंकवाद का पूरे जोश से सामना करना। आतंकवादी तत्वों की तो अपेक्षा ही रहती, उद्देश्य ही रहता है कि वे सरकार पर दबाव डाल के अपनी मांगे मनवाएं। मैंने जो अपहरण के उदाहरण दिए, जो नेताओं के अपहरण या बस के अपहरण या हवाई वायु यानों के अपहरण का उदाहरण, ये कुछ नहीं बल्कि दबाव की नीति है। ऐसी स्थिति में शासन को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में उनके सम्मुख वे झुके ना, दबे ना, उनके विरुद्ध भारी बल प्रयोग कर उन्हें पूरी तरह से आमूल चूल नष्ट करने का प्रयास करें। एक बार यदि हमने समर्पण किया, एक बार यदि उनके सामने झुके तो उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और ऐसी स्थिति में आतंकवाद का जो दायरा है वो फैलता जाता है और इस स्थिति पर पहुंच जाता है जहां पे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है,
फौज की जरूरत भी कई बार महसूस की जाने लगती है। तो इसलिए आतंकवाद के सम्मुख समर्पण ना करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है आतंकवाद को रोके रखने का, थामने का। आतंकवाद, आतंकवादी तत्वों के सामने न झुकना एक बिंदु है, और दूसरा बिंदु है आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय ही ना देना, उन्हें शरण ही ना देना। सहयोगी संघवाद में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य यदि सहयोग नहीं करेंगे तो आतंकवादी तत्व दूसरे राज्यों में शरण लेंगे, प्रश्रय लेंगे। सभी अवांछित तत्वों को शासन और प्रशासन से अलग रखना चाहिए, राजनीतिज्ञों को अपराधी से दूर रखा जाए, आतंकवादी तत्वों को आश्रय देना बंद किया जाए, और इस तरह की जो प्रवृत्ति यदि है तो उसे त्यागा जाए और भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जाए। ये सब आतंकवादी तत्वों को बढ़ावा देते हैं यदि ऐसे ना किया गया तो। नौवा उपाय, शासन और जनता के बीच व्यापक सहयोग। व्यापक सहयोग के क्या मायने? वही जो मैंने प्रारंभ में कहा है, आम सहमति बनाना, संवाद रखना, सरकार और जनता के बीच में सतत रूप से सहयोगात्मक रवैया होना, क्योंकि जनता बेहतर जानती है आतंकवादी गतिविधियों को। जनता के बीच में ही आतंकवादी गतिविधियां पनपती हैं, जनता से अलग नहीं। कम से कम शुरुआत तो उनकी जनता के बीच में होती है। यदि समय रहते जनता के संवाद का फायदा लेते हुए सरकार इस बात को जान लेती है कि इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हो रही है, तो उसे वहीं पर समाप्त किया जा सकता है। लोगों को आतंकवाद से, आतंकवाद के परिणामों से, दुष्परिणामों से अवगत कराने की जरूरत है ऐसे समय में, और आतंकवाद से संघर्ष के लिए भी उनमें जागरूकता लाने की जरूरत है, जनता को सचेत कराने की जरूरत है, जनता को जागरूक कराने की इस बात की जरूरत है कि आतंकवाद कितना खतरा हो सकता है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दसवां उपाय, कठोर अंतर्राष्ट्रीय कानून। आतंकवाद को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जरूरत हो गई है, क्योंकि अब आतंकवाद जो है वो एक क्षेत्रीय समस्या कम, एक वैश्विक समस्या ज़्यादा हो गई है। एक देश में आतंकवादी गतिविधि करके आतंकवादी दूसरे देश में पनाह लेते हैं, शरण लेते हैं, भाग जाते हैं, और वहाँ उन्हें राजनीतिक प्रश्रय मिल जाता है। ऐसी स्थिति में समुचित व्यवस्था की जाए कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को कोई राष्ट्र शरण न दे। आतंकवाद को रोकने के लिए बहुत कठोर कानून की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र हैं उनको उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है, उन देशों द्वारा जिनके पास इस तरह की प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के नाते, वैश्विक संगठन होने के नाते, संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद से निपटने में इस दिशा में बहुत ठोस पहल कर सकता है, जिसकी अभी जरूरत है, और जो अभी भी उस रूप में पहल नहीं की जा सकी है जिसकी अपेक्षा है या जितना करना चाहिए। रही भारत में आतंकवादी गतिविधियों की बात, तो भारत में आतंकवाद दिनों दिन फैलता जा रहा है। आतंकवाद की दृष्टि से भारत में स्थिति जो है वो बड़ी कष्टप्रद, बड़ी चिंताजनक है, और इतनी पहले कभी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियां जिसमें देश के कई हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। भारत के इतिहास में देखा जाए तो आतंकवाद की शुरुआत तो भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी।
पूर्वोत्तर राज्यों की यदि बात करें तो वहाँ पे आतंकवाद का उदय 1946-47 से ही हो गया, जहाँ पर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ऐसे क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियाँ, अलगाववादी गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी और इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ था। बाद के काल में देखा जाए तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, दक्षिण में तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतने सारे राष्ट्र हैं, राज्य हैं जहां पर आतंकवादी गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। यहां तक कि कुछ अन्य क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह की गतिविधि देखी जा रही है, राजस्थान में भी कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें काफ़ी कुछ अंश में नक्सलवादी जो हैं वो आतंकवादी गतिविधि का ही एक रूप है। ये आतंकवाद की स्थिति को ही दर्शाता है। तो इन नक्सलवादियों को हमें एक आतंकवादी दृष्टि से, नज़रिए से देखना होगा और उसका समाधान करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा ये स्थिति और बदतर होती जाएगी। भारत में जो स्थिति है और जो विषम होती जा रही है उसके पीछे अंदरूनी कारण हैं, और कारणों का जो मैंने जिक्र पूर्व में किया है उसमें से आप पाएंगे इसमें से अधिकतर कारण जो आतंकवाद को जन्म देते हैं वे भारत में हैं। इसके साथ ही विदेशी ताकतों की दखलंदाजी भी, विदेशी राष्ट्रों की, विदेशी लोगों की दखलंदाजी भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। भारत में इतने बढ़ते आतंकवाद के मद्देनज़र समय समय पर प्रयास होता रहा। भारत में आतंकवाद की रोकथाम हेतु कई उपाय किए गए। उन उपायों की ओर यदि हम ध्यान दें तो देखेंगे कि सरकार ने कानून निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रयास किए जिससे अपेक्षा थी कि आतंकवाद को एक तरीके से थामने में सफल होंगे, आतंकवाद को रोकने में सफल होंगे। इस क्रम में सबसे पहला जो कानून बना था, जिसे हम वास्तव में एक आतंकवादी विरोधी कानून कह सकते हैं, वह था मई 1985 में आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधि, आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधि निरोधक कानून, निरोधक अर्थात रोकने वाला कानून, मई 1985। ये पहला संशोधन था भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पिनाल कोड में पहला संशोधन 124 क धारा में, जिसमें सरकार के विरुद्ध किसी कार्य को राजद्रोह माना गया। सरकार के विरुद्ध किसी तरह के कार्य को राजद्रोह माना गया और इसकी सजा बढ़ाकर उम्र कैद की गई। फिर उसके बाद दूसरा संशोधन आता है जिसमें शस्त्रों को लेकर कानून बनाया गया, शस्त्र कानून में संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि अशांत क्षेत्रों में जिस किसी के पास बिना लाइसेंस के हथियार पाए जाएंगे उन्हें 3 साल की सजा मिलेगी। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां आतंकवादी गतिविधियां घोषित कर दी गई हैं, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, वहां पे बिना लाइसेंस के हथियार के साथ रहना गैर कानूनी होगा और सजा मिलेगी। अगला कदम भारत सरकार ने जो उठाया था आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के मद्देनज़र, वह था पुलिस दल और सैन्य दल की व्यवस्था। वैसे इसमें अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। आतंकवादी विरोधी या आतंकवाद विरोधी विशेष पुलिस दल अभी तक नहीं बनाया गया था। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए ट्रेन्ड फोर्सेस की जरूरत होती है, कारगर आतंकवाद विरोधी संगठन की जरूरत है। देश के अनेक हिस्सों में
अलग अलग से संगठन हैं, किंतु आतंकवाद से निपटने के लिए कोई कारगर संस्था नहीं आई है। मूल रूप से इनसे निपटने के लिए हम CRPF की मदद लेते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, या उसके अलावा हम कुछ असम राइफल्स, इनको हम देख सकते हैं आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग में लाए जाते हुए। ये लोग इन कार्रवाइयों में संलग्न तो जरूर हैं, परंतु ट्रेंड नहीं है, उनके पास आधुनिक हथियार नहीं है, उनके पास वो कौशल नहीं है जिससे कि वो आतंकवादी गतिविधियों को समझ पाएं और उस पर नियंत्रण कर पाएं। आतंकवादी निरोधक अध्यादेश, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे संक्षिप्त में पोटो 2001 कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का अर्थ क्या है? ऑर्डिनेंस का अर्थ होता है एक ऐसा कानून जो राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, और तब बनाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं हो रहा, लेकिन जरूरत पड़ जाती है अचानक। तो ऐसी अचानक जरूरत पड़ने वाली स्थिति में बनाए गए केंद्रीय कानून को राष्ट्रपति बनाते हैं और उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। तो ऑर्डिनेंस बना पोटो 2001 में, और 24 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ इसे लागू किया गया। और इसके तहत जो बदलाव था वो ये था कि अधिकतम मृत्युदंड और न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए लोगों के लिए। इस कानून में थोड़ा बदलाव आता है अगले वर्ष, और वह कहलाता है पोटा 2002, आतंकवाद विरोधी निरोधक विधेयक, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। जो ऑर्डिनेंस है 2001 का, जिसकी एक निश्चित समय सीमा होती है ऑर्डिनेंस की, और यदि ऑर्डिनेंस को स्थायी बनाना है तो उसे संसद से पारित करवाना होगा समय सीमा के अंदर, और पारित होने की स्थिति में ये ऑर्डिनेंस जो है वो कानून बन जाता है। तो इस प्रकार 2001 का जो पोटा था वो 2002 में पोटा का रूप लेता है, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कहलाता है। संसद की संयुक्त बैठक होती है इसमें, और उसके बाद ये पारित होता है, और पारित होने के बाद 2 अप्रैल 2002 से ये राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो जाता है। पोटा के तहत जो पोटो में कुछ सुधार किया गया, बदलाव किया गया, वो ये था कि गिरफ्तारी के 1 वर्ष तक जमानत नहीं मिलेगी, आपको बेल नहीं मिल सकती यदि पोटा के तहत आप गिरफ्तार हुए तो, 90 दिन तक हिरासत में रखने, उम्र कैद, कत्लेआम मचाने वालों को मौत की सजा, आतंकवादी की सद्भावना करने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई, पुलिस द्वारा टेलीफोन टेप करने का अधिकार, इतने सारे इसमें प्रावधान जोड़े गए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वह है कि आतंकवादियों के साथ सद्भावना रखने वालों की भी अब शामत हो गई। यदि हमने किसी आतंकवादी द्वारा किए गए किसी कार्य की किसी भी रूप में, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अन्य कोई जरिया हो, वहाँ पर हमने किसी तरीके से ऐसा महसूस कराया कि हम उस आतंकवाद के उस आतंकी व्यक्ति के सिंपेथाइज़र हैं, या उसके पक्ष में कुछ बोल रहे हैं, तो हमको भी सजा हो सकती है। इसके पीछे मकसद क्या था? आतंकवाद को चेक में रखने का, कंट्रोल में रखने का, और इसके बाद पुलिस द्वारा टेलीफोन को टेप करने का अधिकार, मोबाइल कॉल्स को रिकॉर्ड करने का अधिकार बिना सूचना के, और ये एक बहुत बड़ा कदम था और समय की दरकार भी थी, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा था कुछ तत्वों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा, र्यूमर्स के द्वारा,
अफवाहों के द्वारा उसे भी नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और उसको नियंत्रित करने के मद्देनज़र ही पोटा कानून में जो बदलाव थे वो यहाँ स्पष्ट आपको बता दिए गए हैं। दिसंबर 2004 में पोटो को निरस्त कर दिया गया। पोटो अर्थात पुराना कानून, उसे समाप्त कर दिया गया। 2004 में अंततः पोटो को समाप्त कर दिया गया संसद के द्वारा। आतंकवाद से निपटने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम भी बनाया गया। गैर कानूनी गतिविधियों के निवारण, ये अधिनियम आया 1967 में और इसको ज़्यादा प्रभावी भी बनाया गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। अर्थात जैसे जैसे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही थी, सजा का दायरा या सजा की कठोरता के प्रावधानों को और कड़ा किया जा रहा था और ज़्यादा कठोर किया जा रहा था। बम्बई में 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी गतिविधि होती है, जिसके तहत वहाँ के प्रसिद्ध होटल पर हमला होता है और ये आतंकवादी संभवतः पाकिस्तान से आए थे समुद्री मार्ग से। ऐसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए अंततः भारत सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाती है और उस कदम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना होती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी संसद के द्वारा 2008 में पारित होता है। राष्ट्रपति इसे अनुमोदित करते हैं और इस संगठन का अंततः गठन अंततोगत्वा 2009 में हो जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है उसका गठन और गैर कानूनी गतिविधियों का रोकथाम कानून, इसके संशोधित प्रावधान लागू होने से आतंकवादी गतिविधियों पर कुछ रोक लगी है और लग सकती है। तो इस प्रकार NIA का गठन इस दिशा में एक बहुत सकारात्मक, बहुत तगड़ी कार्रवाई थी और अपने गठन के बाद से लेकर गत 12-15 वर्षों में NIA ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया भी है।